हायर सेकेंडरी स्कूल कन्ना सड़काल स्कूल के बच्चे और स्टाफ कम्युनिटी में आकर सबको फिटनेस मंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। फिटनेस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज का जो समय चल रहा है ये एक ऐसा समय है जिसमें सबसे ज़्यादा फिटनेस के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। हमारे बुजुर्ग जब सुबह उठते थे तब वो मालिश करके नहाते थे, दूध दही पनीर घी खालिश खाते थे, लेकिन आज के समय में ये चीज़ें हमें मिलती तो हैं लेकिन मिलावटी मिलती हैं, जिन्हें हमें ध्यान देना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं। हमारा जो सिस्टम है दिनचर्या है वो सारी खराब हो चुकी है। इंसान 90% से ज़्यादा बीमार है, बीमारी के कारण हॉस्पिटल में डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना जैसी महामारी हमारे ऊपर हावी हो रही है। नया वेरिएंट भी आ रहा है, इसका मतलब है कि हम बीमार हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं बीमारी से ग्रस्त हैं। तो हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, किस तरह से हमें अपना रहन सहन रखना चाहिए, इसके ऊपर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सुबह कहते हैं अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, जल्दी उठना चाहिए जल्दी सोना चाहिए, और उठते ही सबसे पहले पानी पीना चाहिए। पानी पीने से हमारे शरीर के जितने भी विषैले तत्व होते हैं वो पानी से सारे बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद व्यायाम करना चाहिए, सैर करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसके बाद नहा धोकर हमें अल्पाहार में हमने देखना है, अल्पाहार में हम क्या खा रहे हैं। ज़्यादा फ्राइड तो नहीं हम खा रहे, अगर फ्राइड खा रहे हैं तो उससे हमें परहेज करना चाहिए। संतुलित दालें संतुलित जो भी चीज़ें हैं ये हमें खानी बहुत ज़रूरी हैं, हमें लेना चाहिए। फल फ्रूट ये खाना चाहिए। कैसे खाना चाहिए, धोकर खाना चाहिए, बाजार से डायरेक्ट लाया और हम खा लें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये सारी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को जल्दी सो जाना चाहिए, मोबाइल के युग में 12-1 बजे से पहले कोई नहीं सोता और सुबह 9-10 बजे उठते हैं। ये बिल्कुल हमारा जो रहन सहन है इसी की वजह से, इसी खराबी की वजह से हम बीमार हो रहे हैं। इसलिए हमें खुद भी जगना है, दूसरों को भी जगाना है। धन्यवाद।